नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जल्दी करिए, तेज गाड़ी लगे बुढ़ाऊ का लगेगा। ठीक कह रहे हैं तो आपको आना बस सकी है, तुरंत लगवाइए। आज के खुदगर्ज जमाने में भी हमारे देश में ईमानदारी से सामाजिक सरोकार रखने वाले कर्मयोगियों की कमी नहीं है। सच्चे कर्मयोगी वे होते हैं जो दूसरों के मुश्किल वक्त में काम आते हैं। इनमें से एक हैं युवा भाजपा नेता और समाज सेवी अंकित तिवारी, जो अपने मानवीय सरोकारों से पूरे समाज को आश्वस्त कर रहे हैं। बताते चलें कि होली के पावन पर्व पर अंकित तिवारी जौनपुर स्थित अपने आवास से निकलकर अपने किसी निजी काम से बाहर जा रहे थे। बरसठी से निकट सड़क हादसे में घायल पड़े लोगों को देखा तो गाड़ी रोकी, गाड़ी से उतरकर घायलों को उठाया। आसपास खड़े लोग जहां तमाशबीन बने रहे, वही अंकित तिवारी मानवीय कर्तव्यों को निभा रहे थे। अंकित तिवारी ने घायलों को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया और उनकी हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। अंकित तिवारी कहते हैं कि किसी की मदद करने से हृदय को बहुत सुकून मिलता है। सामाजिक दायित्वों को निभाने वाले अंकित तिवारी का कहना है कि गम की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, गम की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, रंग नए खिलेंगे किसी पर डाल कर देखो, तुम्हें दर्द का एहसास तक नहीं होगा, किसी के पांव का काटा निकाल कर देखो। इसको खड़ी करवाइए, खड़ी करवाइए, बाइक खड़ी करवाइए। भैया ए इन लोग उठाओ, पहले उनको हटाइए। ये हेलमेट हेलमेट लगाए थे, ये हेलमेट नहीं लगाए हैं। गाड़ी सीधी करो भाई। नहीं नहीं दो लोग आमने सामने भिड़ गए हैं ना। तो तू सुबह कहाँ कर रहा है यार, क्यों मर गया यहाँ, इतना दूर से आ रहे हैं तो हम लोग यहाँ है। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।